Hello and welcome to Blessings with Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, today's pick a card reading is about what future holds for you, what is coming for you in future, bhavishya mein kya aane wala hai aapke liye. Alright, so aapke liye do groups hain yahan par. Aapke jo sun signs hai according to that, group 1 and group 2, okay? And for group 1, agar aapko intuitively choose karna hai, toh for group 1 we have this crystal. This purple and pink crystal and for group 2, अगर आपका group 2 है तो आपके लिए ये वाला crystal है, this yellowish green crystal. Alright, आपका जो भी group है intuitively choose करना है उस तरह choose कर लिए. अगर आपकी राशि के according अगर आपको choose करना है तो आप choose कर सकते हो. मैंने लिखी हुई है दोनों की stars, आप देख सकते हैं आपका group कौन सा बनता है. Okay, and I'll see you on your reading. Hello my lovely group 1, अगर आपके sun signs ये थे Capricorn, Aries, Cancer, Scorpio, Aquarius या Taurus, let's see the words reading for you, what's coming for you in the future, कि आपके भविष्य में क्या लिखा है या क्या आ रहा है. ओके, what is coming for you next, आपकी love reading and आपकी career reading दोनों में देख रही हूँ. alright, and let's see first of all the love reading. Love reading में है जी आपके पास 6 of water. It's all about your future, okay? Okay, lover's card and with the 9 of fire, love reading, what's coming for you, king of air and the moon. Alright guys, aapki jo love life hai is time, उसमें यह है कि बाज अक्सर लोग जो है, मोस्टली लोग हैं यहाँ पर कि जो आप अपने लवर को मिल चुके हो, ठीक है, विद द लवर्स का यू आर ऑलरेडी इन द यूनियन, आप उनके साथ हैं एंड यू नो व्हाट, सिक्स ऑफ वाटर के साथ ये जो इंसान है आपका पास्ट लाइफ का आपका साथी है, आपका पास्ट लाइफ का आपका कंपेनियन है. एंड आप ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि इंसान जो आपकी भविष्य में है आपके साथ, ये आप इसको बचपन से जानते हैं, आप इसको बहुत देर से जानते हो. ओके, बट द थिंग इज़ के ये जो पर्सन है किंग ऑफ एयर के साथ, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड यू नो बड़ा प्रोफेशनल है एंड यू नो इनकी मेंटल एंड इमोशनल स्टेट भी काफ़ी से ज़्यादा बैलेंस्ड है, ठीक है. एंड काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होंगे एंड यू नो काफ़ी हाई प्रोफेशन में है. इनके प्रोफेशन में कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, यहाँ पे ये किसी ऐसे कैलकुलेशन के डिपार्टमेंट से हैं जहाँ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, लाइक अकाउंटेंट, बैंकिंग सेक्टर या किसी भी कंपनी के फिनेंस डिपार्टमेंट में जहाँ उनकी इनकम आती है, जहाँ उनका कैश वगैरह आता है, डिपॉजिट ये वो, वहाँ पर ये इनका कोई जॉब है. ऑलराइट, बट यू नो विद द 9 of fire आपका यू नो एंड मून कार्ड भी है यहाँ पर, काफ़ी से ज़्यादा कोई डर है, कोई जहन में ऐसे नो नेगेटिव ख्यालात हैं एंड यू नो समथिंग इज़ रनिंग ऑलवेज बिहाइंड योर माइंड, आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है एंड यू नो आपको रोकता है, काफ़ी हर्डल्स हैं आपके लव लाइफ में, हर्डल्स हैं. ओके, अगर आपको अभी तक पर्सन नहीं मिला तो यहाँ पर हर्डल्स हैं. आई वॉन्ट यू नो आई कॉन्ट शुगर कोट द थिंग्स फॉर यू, फॉर योर बेटरमेंट ऑफ कोर्स. तो यू नो यहाँ पे हर्डल्स हैं आपको उसको मिलने में या जो भी है, लेकिन यू नो ये इंसान आएगा ज़रूर आपके पास. लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि किंग ऑफ एयर की एनर्जी है, एक तो एक किंग की एनर्जी है, ऑब्वियसली काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है, ठीक है, एंड कमिटेड होगा, आपको कमिटमेंट ये देंगे. ये पेज की एनर्जी नहीं है, इमेच्योर, ये नाइट की एनर्जी नहीं है, इमेच्योर के इनिशियल स्टेज है. नो, इंसान आपको पूरी की पूरी कमिटमेंट देगा. सो बेशक ये बंदा प्रोफेशनल है ये और काफ़ी डिप्लोमेटिक भी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये 50% लोगों के लिए न्यू लव है एंड 50% लोग आप उनको मिल चुके हो ऑलरेडी, ठीक है. एंड जो लोग मिल चुके हैं आपका इन्हीं से ही विवाह होगा, इन्हीं से आपकी शादी होगी. ओके, अच्छा, अभी ये कि यू नो डिवाइन ने आपका केमिस्ट्री ऐसा बनाया है कि आपका मतलब आप दोनों ना एक दूसरे की बातों को समझ लेते हो, दिल की बातों को, ठीक है, बिकॉज काफ़ी देर से एक तो आप लोगों का कनेक्शन है, चाहे माइंड लेवल पर हो, सोल लेवल पर हो, या क्या कहते हैं 5D में आप मिलते हैं या रियल में आप मिलते हैं, जो भी है, लेकिन ये कनेक्शन काफ़ी पुराना है आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है.
एंड ये भी हो सकता है कि काफ़ी पुराना, इतना पुराना कि काफ़ी जन्मों से हो सकता है आप लोग साथ हो, और हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में भी आप इन्हीं के साथ हो, ठीक है। और अगर आप अभी तक इनको नहीं मिले हो तो ये मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है, बल्कि ले ही चुका है, बहुत नियर है, इतना नियर है कि ऑलमोस्ट इस कार्ड में आप लोगों का यूनियन ही आया है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन योर करियर लाइफ, करियर में क्या है, व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर यू। करियर में है जी आपके लिए लाइफ एक्सपीरियंस, और है आपके पास पेज ऑफ एयर, और है आपके पास किंग ऑफ वाटर, एंड वर्ल्ड, एंड आपके पास है जी एस ऑफ फायर। अच्छा गाइस, करियर में आपके ग्रुप के पास ना फ्यूचर में मैं देख रही हूँ व्हाट्स कमिंग फॉर यू, एक तो एस ऑफ एयर है, एक नई न्यू एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, एंड करियर एडवांसमेंट इस कार्ड पे भी है, यही है, ठीक है। एक ऐसी करियर एडवांसमेंट, एक ऐसी लाइफ चेंजिंग इवेंट आपकी लाइफ में आने वाला है कि विच विल चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली, जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल करके रख देगा। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है अपकमिंग डेज में, ये 21 दिनों के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 21 दिन है यहाँ पर, 18 दिन है, ठीक है। इसके अंदर आपको ज़रूर कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी अबाउट योर करियर थिंग। अच्छा, हम दूसरी बात है गाइस कि आपका जो करियर है, आपका लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, जिस चीज़ में भी आप जा रहे हो ना, ये आपकी एक लाइफ एक्सपीरियंस बनेगा। लाइक आपका थ्रू आउट लाइफ आप इसी करियर को परस्यू करोगे और इसी पर काम करोगे, ओके। तो ये ओल्ड एज तक आपकी आखिरी उम्र तक ये आप इसी काम को करोगे, और काफ़ी इसमें फ़ायदा भी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ऑब्वियसली दिस इज़ द पेज ऑफ एयर, तो ये चैलेंजिंग है आपके लिए, अभी ये वक्त चैलेंजिंग है। आपको लगेगा कि मुश्किल है ये, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूँगा, करूँगी मैं, कब होगा, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। लेकिन मैं ये बात 100% है कि किंग ऑफ वाटर है एनर्जी, ठीक है। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, आपको इस काम में अपनी सोल, अपनी आत्मा डालनी पड़ेगी, इसमें आपको अपना प्यार डालना पड़ेगा इस काम को। अगर आप प्यार से करोगे, इस प्रोफेशन को अगर आप प्यार से लेकर के चलेंगे, तो डेफिनेटली सक्सेस आपकी ही है, ठीक है। एंड कोई इस इट्स नॉट ये गलत नहीं होगा कहना कि द वर्ल्ड कार्ड है कि आपका एक काम वर्ल्ड वाइड भी फैल सकता है, ठीक है। पॉसिबल है आप सोशल मीडिया पे काम करते हो, पॉसिबल है आप कोई आर्टिस्ट हो, कोई क्रिएटिव काम करते हो, पॉसिबल है आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आपका कोई एग्ज़ाम है मेडिकल डिपार्टमेंट में, जो भी है आपका, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी इज़ फॉर यू, प्रॉस्पेरिटी है आपके पास, ठीक है। एंड व्हाट्स कमिंग फॉर यू नेक्स्ट, ओवरऑल देख लें आपके लिए कुछ कार्ड हैं। इंस्टिंक्ट्स, आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ काफ़ी हाई हो रही हैं, एंड आप दूर से ही लोगों को पहचानना शुरू कर दिया आपने। क्रिएशन, यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू, एंड इफ़ कोई यहाँ पर शादीशुदा है तो शी इज़ गोइंग टू गेट प्रेगनेंट, ठीक है। प्रेगनेंसी यहाँ पे गुड न्यूज़ है बेबी की, एंड अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, ओके। आपको फाइनेंशियल इशूज़ हैं राइट नाउ लाइफ में, तो फाइनेंसिस आपके काफ़ी हद से ज़्यादा बैलेंस होने वाले हैं। आपको ह्यूज ह्यूज सम ऑफ मनी भी हो सकता है आपको मिले, ठीक है। व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट, डेस्टिनी आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है, आपकी किस्मत खुलने वाली है। व्हाट्स कमिंग फॉर यू नेक्स्ट, जॉय खुशी, ठीक है। यहाँ पर शादी है गाइस, मेबी यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, या एटलीस्ट एंगेजमेंट तो मैं यहाँ पर ज़रूर को ना किसी की देख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर एंगेजमेंट है, यहाँ पर शादी है, एंड डांस है, यहाँ पर कोई हल्ला गुल्ला है, कोई घर में फंक्शन हो सकता है। बहरहाल ये भी हो सकता है अपकमिंग इवेंट्स में आपकी लाइफ में भी आए, किसी की शादी है, आपकी शादी है, किसी की इंगेजमेंट है, आपकी इंगेजमेंट है, कोई बर्थडे, कोई सेलिब्रेशन है, कोई सेलिब्रेशन के दिन भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड व्हाट्स कमिंग फॉर यू, लेट्स सी द एनर्जी डेक आपके लिए है जी। पेशेंस, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं।
तो फिर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, थोड़ी शक्ति से काम ले, स्ट्रांग रहे, ठीक है. मैजिशियन एंड द मिरर, बैलेंस रखें अपनी एनर्जी को, ठीक है. यू आर अ बिग मैनिफेस्टर, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को क्या रखना है, बैलेंस्ड रखना है. अगर आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी तो मुश्किल है डिवाइन का आपको कुछ भी देना, ठीक है. सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब. बाय बाय, लव यू. हेलो ग्रुप टू पाइल टू, अगर आपने ये कार्ड या अपना ये स्टोन चूज़ किया था, लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू. क्या है आपके फ्यूचर में, ओके, व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन फ्यूचर. सो आपका पहले मैं लव रीडिंग देखूँगी, ओके, एंड फिर आपकी करियर रीडिंग देखूँगी, ठीक है. एंड लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन लव नेक्स्ट. एंड ओके, थ्री ऑफ फायर, फोर ऑफ वाटर, रिन्यूअल, टू ऑफ फायर, मैजिशियन. ओके गाइस, लव लाइफ में मैंने देखा है कि लाइक थ्री ऑफ फायर के साथ काफ़ी आपने वेट किया है अपने पर्सन का, ठीक है. यहाँ पर दो ग्रुप्स में डिवाइड है लोग भाई. कुछ लोगों के पास्ट पार्टनर रिटर्न होकर के आएंगे, ठीक है, एंड बिकॉज दिस इज़ रिन्यूअल, लेकिन वो रिन्यू होकर के आएंगे, पुरानी एनर्जी में वो नहीं आएंगे अगर वो आए भी, ठीक है. लेकिन यहाँ पर टू ऑफ फायर है, तो दिस इज़ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ तो आपकी पास्ट पार्टनर से न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर 90% चांस है कि आपके लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, एक नई पार्टनरशिप आ रही है, ओके. एंड यू शुड कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड. आपने काफ़ी हद तक अपने आप को हील किया है पास्ट वूंड्स से या परेशानियों से, तो एक न्यू पर्सन इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, ठीक है. एंड उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी से रेजोनेट हो चुकी है, एंड आपकी यू नो लाइफ में उनकी एंट्री जो है वो हो चुकी हुई है उनकी एनर्जी की, ठीक है. प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में वो काम आते हैं, इट विल डिपेंड, एक्सक्यूज मी, इट विल डिपेंड ऑन द थिंग के आपकी एनर्जी क्या है, ओके. आप उनकी एनर्जी को रिसीव करते हो कि नहीं करते. लेकिन मैजिशियन कार्ड है, आप पॉजिटिव हाई वाइब्रेशंस में हो, एंड यू आर रेडी टू रिसीव. आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास एबिलिटीज़ हैं मैनिफेस्टेशंस की, यू आर अ वेरी वेरी गुड मैनिफेस्टर, एंड आपकी लाइफ है ऐसे मैजिकल है, मैं बता रही हूँ आपको, ओके. एंड यू नो व्हाट, मुझे ऐसे लग रहा है कुछ मैजिकल पावर्स हैं आपके साथ, कोई डिवाइन के स्पिरिट गाइड्स हैं आपके साथ, कोई एंजल्स हैं आपके पास के, हु आर देयर फॉर यू टू सपोर्ट यू, ओके. एंड मैं बताऊँ आपको, आप में से कुछ लोग, आप खुद भी हीलर भी हो सकते हो, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ काफ़ी हाई हैं, एंड वो उन्हीं की वजह से आपको अपने यू नो पार्टनर को, न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है. आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था कि एक बिग अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी, कभी आपको उसका काफ़ी रिग्रेट रहता है कि लाइक मेरा क्यों मिस हुआ, एंड यू नो उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया. लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड माई डियर, टू ऑफ फायर के साथ यू आर गोइंग टू एंटर इन अ न्यू फेज, एक नया दरवाज़ा है, न्यू डोर इज़ गोइंग टू बी ओपन फॉर यू, ओके. एक नया दरवाज़ा खुल रहा है आपकी लव लाइफ के लिए, एंड ये जो अब जो दरवाज़ा खुला है, अब जो पर्सन आएगा ये लॉन्ग लास्टिंग स्टे करेगा आपके साथ, ठीक है. हो सकता है आपका कभी कोई रिश्ता टूटा हो, कोई हुआ था, तो बहरहाल परेशानी की ज़रूरत नहीं है. अ न्यू थिंग इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, नंबर वन है यहाँ पर, तो रिन्यूअल है यहाँ पर. एंड कुछ लोगों के लिए 20 नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर एंड 5 एंड 6 एंड 23 एंड आपके लिए 16 नंबर इंपॉर्टेंट है, 19 एंड 21, ओके. ये कुछ नंबर्स हैं आपके लिए. सो लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू इन योर करियर थिंग. करियर में है जी आपके पास, अच्छा जी, किंग ऑफ एयर है आपके पास, फोर ऑफ एयर, सेवन ऑफ वाटर, पेज ऑफ एयर, एंड करियर में है जी आपके पास ईगो, ओके.
काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं आप, काफ़ी से ज़्यादा आपने कुछ लाइफ में करने की कोशिश की है, सफलता नहीं मिली या बहुत कम आपको रिवॉर्ड्स मिले हैं करियर में। आप कभी कभी जो चीज़ें आप लाइफ में हासिल करना चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको लेकर के आप काफ़ी लाइक ड्रीम करते हो, किसी और के पास वो जो चीज़ें हैं उनको देख देख के अक्सर आपको यू नो कभी कभी जेलस होता है। नॉट ओनली जेलस, लाइक आपको होता है कभी मेरे पास क्यों नहीं, मेरे पास क्यों नहीं था, ठीक है, ये ईगो की आपकी आई एनर्जी, दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। जब आप किसी को देख करके उसके बारे में रश करते हैं कि उसके पास ये है और मेरे पास क्यों नहीं है, तो फिर ऐसे होता है कि आपके पास जो कुछ होता है बचा कुचा वो भी आपके हाथ से जाता है, ठीक है, बिकॉज़ आपकी जो एनर्जी है वो उसके साथ, वो आप उसकी चीज़ को नहीं खींच सकते कभी भी ज़िंदगी में, उसको जो अबंडेंट है उसको वो मिलता है जो वो मिला होता है जो उसकी एनर्जी होती है, ओके, आपको वो मिलता है जो आपकी एनर्जी होती है। आपके इस टाइम जेलस की एनर्जी जा रही है या वांट की एनर्जी जा रही है कि आई वांट हिज थिंग या आई वांट हर थिंग इस तरह, लेकिन ये एनर्जी की वाइब्रेशन बहुत बहुत उसमें मीटर पे अगर आप देखें चार्ट पर बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन है, इसमें आप सिर्फ सिर्फ डिज़ास्टर्स लॉसेज गम और परेशानियां ही अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इस एनर्जी को अगर है आपकी तो आप रिमूव करें करियर में भी, अच्छा, लेकिन यू नो आपके जो है आपको थोड़ा सा यू नीड टू टेक अ लिटिल बिट रेस्ट फोर ऑफ एयर के साथ यहाँ पर है, आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना है, थोड़ा सा रिलैक्स करें, रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल, ठीक है। करियर में बहुत थक चुके हो, कोशिश कर करके भाग दौड़ दौड़ के थक चुके हो, तो आई विल सजेस्ट यू टू टेक अ ब्रेक, थोड़ा सी ब्रेक लो, थोड़ा सा यू नो कहीं वेकेशन पे चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ घूम लो, थोड़ा घर में रेस्ट कर लो, ऐसे भी यू नो आजकल तो घूमने फिरने का कोई वो ही नहीं है सीन बिकॉज ऑफ दिस कोविड थिंग्स, तो बाहर मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही, लेकिन अंदर ही आप यू नो सिबलिंग बहन भाइयों के साथ कुछ कर लें या व्हाटएवर जो भी करना है आपने, लेकिन यू नीड टू रेस्ट, अपने आप को थोड़ा सा करियर से चाहे थोड़ा ब्रेक ही लें, लेकिन लें आप ब्रेक थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा। लेकिन यहाँ पे जो फेयर के साथ यू आर गोइंग टू बी वेरी क्रिएटिव इन द फ्यूचर, ठीक है, आप फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स करोगे और एक एक्साइटिंग न्यू एंडेवर इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या आपके करियर में एक नई जॉब आपको मिल सकती है, ठीक है, लेकिन आफ्टर हीलिंग दिस एनर्जी, हीलिंग फ्रॉम दिस एनर्जी, इस एनर्जी के साथ नहीं मिलेगी, ठीक है। सेवन ऑफ वाटर के साथ, सेवन ऑफ वाटर के साथ मैं बताऊँ आपको कि यू नो यू नीड टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिंग द थिंग्स, चीज़ों को डिले करना छोड़ें, एंड यू नो व्हाट सेवन ऑफ वाटर के साथ आपके पास फ्यूचर में काफ़ी चीज़ें होंगी, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होंगी, आपको उनको बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बनाना पड़ेगा, लेकिन आप इतना कर लोगे, आप फ्यूचर में इतना अचीव कर लोगे कि विद द किंग ऑफ एयर आपके ड्रीम्स हो जाएंगे फुलफिल, ठीक है। आप काफ़ी प्रोफेशनल भी हो एंड आपके पास स्किल्स हैं, माइंड एबिलिटीज़ हैं, यू नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ओके, लेकिन आपने शायद अपनी कभी स्किल्स कभी किस अपनी पूरी तरह से यूज़ ही नहीं की, ठीक है, जब भी आपने स्किल्स यूज़ की जब भी आपको रिजल्ट इसका मिल जाएगा करियर में। गाइज मैं जो आपके लिए प्रोफेशन से देख रही हूँ यहाँ पर विद पेज ऑफ फायर, आपके पास प्रोफेशन है यहाँ कम्युनिकेशन की जॉब है, ओके, एंड यहाँ पर यहाँ कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स आपके हो सकते हैं, सेवन ऑफ वाटर के साथ कोई सोशल मीडिया पे हो सकता है आप काम करते हो, या कोई इंजीनियर है यहाँ पर, कोई अकाउंट्स में है, गवर्नमेंट जॉब में, कोई इस तरह की फील्ड्स हैं यहाँ पर, कुछ आप कैलकुलेशन का काम करते हैं, कुछ एनीथिंग रिलेटिंग टू दैट, या फिर आप हीलिंग का डॉक्टर मेडिकल फील्ड भी है यहाँ, कुछ इस तरह की इम्पोर्टेंट है, ओके, सो द थिंग इज़ कि हम थोड़ा सा और देख लें आपके ओवरऑल व्हाट्स कमिंग फॉर यू। देखिए जी रिन्यूअल, ठीक है, दो कार्ड आपके रिन्यूअल के आ चुके हैं अगर आपने गौर किया है, ये भी रिन्यूअल का कार्ड है और ये भी था अगर आप पढ़े 20 नंबर, सो रिन्यूअल, एब्सोल्यूटली रिन्यूअल इज कमिंग टू योर लाइफ, बिल्कुल आप नए बन करके निकलोगे, ठीक है, स्पिरिचुअली भी
प्रैक्टिकली भी एंड व्हाटएवर, ठीक है. एनीवेज परसेप्शन अपनी अपनी नज़र में कुछ लोग गिरे हुए हैं, खुद की नज़र में खुद ही गिरे हुए हैं, ठीक है. एनीवेज ये आपका सेल्फ परसेप्शन में इम्प्रूव होगा, ओके. कॉन्फिडेंस आएगा. आप में से कुछ लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, बार बोलते हुए आप काफ़ी हेजिटेट करते हैं, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी इम्प्रूव, ठीक है. एक्सपेंशन आपका बिजनेस है, जॉब है, जो भी है, इट्स गोइंग टू गेट एक्सपेंड, काफ़ी एक्सपेंशन मिलेगा. एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, आपका नॉलेज एक्सपेंड करेगा, आपको और समझ आएगी, ठीक है. अब स्टडीज़ की विजडम मिल रहा है आपको, काफ़ी से ज़्यादा वाइज हो रहे हो आप, ठीक है. नॉलेज इम्प्रूव हो रहा है, स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं आपकी. एंड फेथ, हैव फेथ इन डिवाइन, हैव फेथ इन योर सेल्फ, ठीक है. अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर आप रखें विश्वास, रखें इत्मीनान, रखें ईमान, रखें, ठीक है. एवरीथिंग इज़ गोइंग टू सॉर्ट आउट इट सेल्फ, सब कुछ खुद ही सॉर्ट आउट हो जाएगा. लेकिन आपके ग्रुप में मुझे नेगेटिविटी नज़र आई है, कुछ डेवल डेवल अटैक्स हैं, कुछ है आपकी नेगेटिविटी, इसको रिलीज़ कर दें. सो एवरीथिंग विल फॉल इन टू इट्स प्लेट इट्स प्लेस इट्स सेल्फ ऑल राइट. सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. इफ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब. बाय बाय, टेक केयर.